हाँ बेटे साथियों को रिहा कराने को लेकर के, हाँ लेकिन वो मांगे मानी नहीं गई। विधायक का जहाँ तक मामला है उसको लेकर के क्या फैसला हुआ है और बाकी चीजों को लेकर के क्या फैसला है? देखो विधायक से फैसला ये हुआ कि उसने जो अपने केसेस हैं वो वापसी ले लगा, अपने जो उसके एप्लीकेशन से हैं वो वापसी ले लगा, तो एक केस खत्म हो जाएंगे और विधायक ने अपने उस पर सॉरी भी फील कर ली। लेकिन अब पुलिस क्यों नहीं उनको छोड़ रही है और उन पर क्या केस लगाना चाहती है? तो हमने ये कहा कि भाई हमको भी जेल आप भेज दो, कानून का उल्लंघन तो हम पे भी कर रहे, हम थाने में बैठे हुए हैं, यहाँ पे इतने लोग तो हमने भी उल्लंघन करा है, तो आप हमको भी जेल भेज दो सब लोगों को, और या आप उनको भी रिहा करो, ये हमने उनको कहा है। ये नहीं होगा कि उनके ऊपर धाराएं लगा कर आप उनको जेल में रखोगे और किसान यहाँ से हार कर चला जाएगा, वो नहीं होगा। किसान या तो जेल जाएगा या वे भी बाहर आएंगे। पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है अभी? पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तो कुछ नहीं कहा गया, आज दिन में फिर उनसे बातचीत होगी तो वे क्या बताते हैं, हम तो बैठे यहाँ पे और जब तक बात नहीं बनती तब तक बैठे रहेंगे। अच्छा और कहाँ जाएंगे हम तो यही रहेंगे। ये तो 6 महीने जब किसान मतलब सरकार के अभी कान नहीं खुले क्या, या वो उसको दिखाई नहीं दे रहा? किसान अगर 7 महीने हो गए वो अपने घर नहीं जा सकता तो थाने से एक दिन में चला जाएगा क्या? हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना सरकार भी अपना काम करे। हमारे जो इशू हैं 3 कानून MSP पे कानून, ये चीजें हो जाएंगी धरना खत्म हो जाएगा, आगे की कमेटी बन जाएगी, जो और मामले होंगे वे कमेटी और भारत सरकार बैठ के बातचीत करते रहेगी, उसमें जितने भी मुकदमे दर्ज करेंगे ये भी उसका एक पार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि 10,000 आप मुकदमे करोगे लोग जेलों में सड़ेंगे, वो नहीं होगा, ये बिल्कुल सफाया होगा इनका। आंदोलन में किसी भी उसमें जेल में जा रहे सजाए नहीं होंगे उसमें, ना हम कोर्ट में जाएंगे। सरकारी अगर कर रही है तो सरकारी उनको खत्म करेगी। तो ऐसा हरियाणा कोई ऐसा प्रदेश आएगा कि यहाँ पे इतनी बड़ी गुंडागर्दी पुलिस प्रशासन की के आंदोलनकारियों को आप जेल में भेजोगे, उनको सजाएं सुनाओगे, रास्ता जाम करने की आप 3-3 साल की सजा सुनाओगे? अगर कानून में आ जाएंगे तो गाड़ी के इंश्योरेंस दिखा दे पुलिस वाले अपने भी, एक भी पुलिस का गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं मिलने का। जब हम अगर जनता कहना शुरू कर देगी तो ये सड़क पर निकल जाएंगे क्या? 10 साल पुरानी गाड़ी नहीं निकल सकती है कभी, कई साल पुरानी गाड़ी है, अपने कागज लाकर दिखा दे। मतलब सड़क जाम कर दी, 30 मिनट तक सड़क जाम करने में कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं हो सकता, ये हमको पता है। हम 40-40 दिन सड़क करते हैं जाम, कोई नहीं केस रजिस्टर्ड होता। 25 मिनट जाम करो, आधा घंटा खोल दो, फिर 25 मिनट जाम करो, फिर आधा घंटा खोल दो। अगर 30 मिनट से ज्यादा सड़क नेशनल हाईवे जाम होंगे तो आप मुकदमा दर्ज कर सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, कानून सब पता है। और फिर आंदोलन है भाई, हमारे उनको छोड़ दो, ज्यादा बहसबाजी में ना पड़ो, अपना उनको छोड़ दो, नहीं तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। राकेश जी जैसा आपने बताया कि विधायक तैयार है कि अपना केस वापस, हाँ तैयार है, ये जो पुलिस की तरफ से जो केस लगाए गए हैं वो किस तरीके के? अब पता नहीं कौन से केस है भाई, वे दिखा दे भाई किसी मामले में वे केस थे वे कर दिए तो वापसी हो जाने चाहिए उनको, जाकर हमारे बीच में दे दो अपना जाएंगे। ऐसे थोड़ा कि आप केस दर्ज करते रहोगे भाई, कलम कागज इनके हाथ में है, जहां मुकदमा लिखा है वो इनके हाथ में है, मतलब ये डराने का काम कर रहे हैं क्या? ये जैसे उन्होंने यहाँ पे आरक्षण में करा है, किसी बिरादरी का एक आरक्षण यहाँ पे चला, उसमें जिन लोगों को बहुत लोगों को यहाँ पे सजा कर दी, ये वो नहीं है, ये आरक्षण वाला मामला नहीं है, किसानों का मामला है, नहीं है दबने का। क्या आप हरियाणा की जनता को आप दबा का आप कर रहे हो? ये नहीं होने का, पूरा देश में कानून धाराएं संविधान सब एक हैं, सब चीजें हैं। फिर इनके कागज पत्थर इनकी गाड़ियों के देख कर लगे, इन पे कागज नहीं पाने के, इंश्योरेंस इनकी गाड़ियों का नहीं पाने का, इंश्योरेंस 1 साल का इंश्योरेंस होगा, दूसरा इंश्योरेंस नहीं पाने का। 10 साल पुराना वाहन इनका भी, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी के कागज दिखा दो, मतलब ये करे कि हम सड़क पर लेके चेकिंग अभियान चलावे, ये अपना होश की खाल है। सब कानूनों का उसका पता है, ये ज्यादा सरकार के चक्कर में ना पड़े। अनिल विज जो यहाँ का होम मिनिस्टर है उसको तो मुख्यमंत्री बनना, इनको तो दोनों की आपस में झगड़ा भाई, आपस का झगड़ा था, किसानों पे क्यों कर रहे हो? और जहां तक ये तो मान लिया ना कि किसान विरोध कर सकता है, काले झंडे दिखा दो, 200 मीटर से दिखा दो। अरे हमने ये कहा कि भाई कुछ
होम मिनिस्टर घट जा मीटर को कम कर ले, उनको 100 मीटर से नीचे ले। कुछ किसानों को कहेंगे जो ये 10 मीटर से दिखावे, 5 मीटर से दिखा रहे, कुछ इनको कहेंगे 25-30 पे आ जाए, कुछ वो घट जाए तो 50 मीटर पे एक समझौता करवा देंगे हम इनका। और राकेश जी जैसे आपने कहा कि आज भी बातचीत होगी, उम्मीद है कि आज माना जाएगा, हो जाएगी बातचीत। तो पहले भारत सरकार ने 12 बार दौर की वार्ता करी, तो ये उनसे कम थोड़ा, कम से कम 15 दौर की तो वार्ता होनी चाहिए। भारत सरकार से तो बड़े हैं ये। हाँ के चले कि राकेश जी यहीं बैठे हैं, और हम कहाँ जा रहे? और भाई हम उल्लंघन कर रहे तो हमको जेल भेज दो। ये कह रहे जी लाल किले का बताते हैं ये, कि लाल किले पे किसान ने वो लगाया। भाई लाल किले पर तो 93-94 में 2 बार बड़ी पंचायत लाल किले की आज्ञा करी, उनके फोटो भी है, साक्षी है, बहुत लोग यहां से गए होंगे, टिकैत साहब भी गए, तो मुकदमा करो भाई उनपे। या टिकैत साहब अब नहीं है तो टिकैत साहब की जहां संपत्ति गई उन पर करो, वह हमारे पास ही 93 वाला मुकदमा हमारे भी करो, हम भी उस टाइम में शामिल थे। ठीक है,